शांति ए शांति जी कहाँ हो यार इधर आओ जी आप आ गए लाओ बैग मुझे दे दो मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ अरे पानी को मारो गोली यार कम से कम चाय लेके आओ यार पूरे दिन हारा थका इंसान कम से कम इतनी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए आदमी के अंदर कि पति यार आओ ऑफिस से कम चाय की व्यवस्था रखनी चाहिए आते ही चाय दे दो उसको तो मैं भी कोई दिन भर सोती नहीं रहती हूँ घर पे 50 काम होते हैं मेरे लिए आपको क्या पता मैं कितना काम करती हूँ क्या तुम पार दौड़ती हो घर में हाँ खाना खाना टीवी देखना सो जाना और मोहल्ला में चार औरतें इकट्ठी होकर एक दूसरे की बुराई करती है इससे ज्यादा औरतें कुछ नहीं करती है ठीक है कभी घर पे रहो तो देखो मैं कितना काम करती हूँ दिन भर में कितने काम हो जाते हैं मेरे लिए बच्चों को देखना बाबूजी को मम्मी को घर का काम कितने काम हो जाते हैं मेरे लिए आपको तो हर समय यही लगता है कि मैं बस सोती रहती हूँ या बाहर घूमती रहती हूँ घर पे रुको घर पे रुकता नहीं हूँ मैं संडे को रुकता हूँ ना मुझे पता है ठीक है तो एक काम करते हैं संडे को आप मेरा काम करके देखिए आप संडे रुकते हो ना हाँ। तो संडे को आप मेरा सारा काम करके देखिए ठीक है तब आपको पता चलेगा कि कितना काम संडे को मैं रुकूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे काम किया जाता है एक बार में चार चार काम करूंगा मैं और पूरा काम तुम्हें करके दिखा दूंगा फिर ये चिक चिक नहीं होनी चाहिए उन्हीं के साथ मैं काम करती हूँ मैं चाय नहीं बना पाऊंगी मैं बाबूजी का काम करती हूँ मैं ये करती हूँ मैं वो करती हूँ दिन भर काम करते रहो कितना भी काम करो हर समय आपको यही लगता है आप एक काम करना संडे को आप सारा काम करना जो काम मैं करती हूँ ना वो आप सारा काम करना तब आपको पता चलेगा सुबह जल्दी उठना रात को लेट सोना कभी समझ में नहीं आता आपको दिन में कितना काम करो संडे को करोगे ना काम हाँ कल संडे है ठीक है कल संडे एक दिन बस एक दिन आप मेरा सारा काम करके देखो आदमी इतना बाहर काम करता है ना 50 तरीके का आदमी मिलते हैं खोपड़ी मारते हैं दिमाग का दही हो जाता समझाते समझाते एक दूसरे को अपने बारे में कि हम क्या काम करते हैं कैसे डीलिंग की जाती है तुम्हें क्या पता इसके बारे में ठीक है आप काम करते हो तो मैं भी दिन भर घर में बैठी नहीं रहती हूँ कितनी थक जाती हूँ दिन भर कितना काम हो जाता है चाहे कितने भी बीमार हो लेकिन पूरा काम करना पड़ता है मैं एक दिन नहीं दो दिन नहीं मेरा तो जिंदगी भर का काम है मैं तो कितना काम करती हूँ लेकिन आप कभी समझ में आपको नहीं आता हर समय मेरे संग लड़ते रहते हो ठीक है कल संडे है कल काम करना आप ठीक है सारा काम करना सुबह जल्दी उठ के दूध लाना सब काम करना सब आप करना ठीक है देखना सारा काम करूंगा मैं ठीक हाँ। है और कल करके दिखाऊंगा मैं किस तरीके से काम होता है करना काम हाँ। फिर चिक चिक नहीं चाहिए मुझे करना काम आप कल आप काम करना तब पता चलेगी आपको मेरे काम की जा रही हूँ मैं एक दो सेकंड बाद कर लूँ Mm-hmm.
आज तो इन्हें काम करना है, आज तो संडे है। सुनो, सुनते हो जी? सुनो जी, 5:30 बज गए, उठो, दूध लाना है आपको। सुनो, उठो, 5:30 बज गए, दूध लाना है आपको। अरे यार, उठ जाओ, उठ जाओ, 5:30 बज गए, दूध लाना है आपको जाके। इतनी सुबह सुबह दूध कौन लाता है यार? अपने सामने आप भैंस को कड़वाना पड़ता है, नहीं तो वो दूध में पानी मिला देंगे। सुबह सुबह दूध यार, 5:30 बज गए हैं, उठ जाओ, नहीं तो वो दूध में पानी मिला देंगे। अपने आंखों के सामने भैंस कड़वानी पड़ती है, जाओ, उठ जाओ। और हाँ सुनो, उठो, उठ जाओ। सुनो ना, अगले संडे से करते। नहीं नहीं, अगले संडे नहीं, अगले संडे कैसे? बहुत जोर से नींद लगी है यार। कोई बात, उठ जाओ, ठीक है, दूध ले आओ जाके, उठो, बैठ जाओ। और सुनो, एक काम करना, दूध ले आना, दूध गर्म कर देना और चाय बना लेना, और चाय के साथ थोड़े पकौड़े बना लेना नाश्ते के लिए। यार अगली बार करते ना, अगले संडे से करते ना यार। अगले संडे नहीं, इसी संडे से करते हैं ना। अगले से करते हैं, अगले से। इसी संडे से करते हैं ना, मैं बहुत चिकचिकबाजी करती हूँ ना, तो आगे के लिए चिकचिकबाजी ही खत्म हो जाएगी, ठीक है? दूध गर्म कर लेना, चाय बना लेना और थोड़े पकौड़े बना लेना, और बाबूजी को चाय दे देना, मम्मी जी को चाय दे देना। सुन लिया, चतुर लिया यार। हाँ, जाओ जाओ, करो जाओ के। जल्दी जाओ, जल्दी। कुछ कह रहे हो क्या? जा रहा हूं। हाँ जल्दी जाओ, नहीं तो वो पानी मिला देंगे, जाओ जल्दी। से जन्म की सजा मिल रही है भगवान, ऐसी शादी भाई तुमसे मैं कुछ सुन में नहीं आ रहा है कि चाय छानू के दूध करूं के पकोड़े बनाऊं। और चाय पकोड़े बन गए क्या? खा लो, बन गए पकोड़े। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा गैस नहीं जली, इस पर गुस्सा आ गई। कोई बात नहीं जी, और तो कोई बात नहीं। नहीं गैस जली नहीं ना, 2-3 बार जलानी पड़ी। पकोड़े बन गए? हाँ पकोड़े तैयार है। तो एक काम करो, चाय पकोड़े बाबूजी को दियो। हाँ। और मम्मी को दियो। हाँ। ठीक है। हाँ। और हाँ मैं कहना भूल गई थी, बाबूजी के लिए 2 पराठे सेक देना। संडे में पराठे नहीं पकोड़े, दवाई खाते हैं, उन्हें खाना देना पड़ता है, इसलिए 2 पराठे बाबूजी के लिए सेक देना, ठीक है? और जे बर्तन धो देना और थोड़ा झाड़ू पोछा लगा देना है। जो बर्तन थोड़े हैं? हाँ थोड़े हैं, आज संडे है ना। हाँ। आज आपको काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ। पानी नहीं आ रहा इसमें? अरे पानी भी आ जाएगा। अच्छा। हाँ, बर्तन धो देना और झाड़ू पोछा लगा देना। और गेट पे कौन है? देखो मम्मी देख रही है। आप चाय पकौड़े बनाओ, पकौड़े बनाओ। अरे ये क्या, बाबूजी के 2-4 दोस्त आए हुए हैं। एक काम करो, 4 कप चाय और बना लो और थोड़े से पकौड़े और बना लो, ठीक है?
चाय पीने आए हैं, पकौड़े खाने आए हैं, बड़ा कर दो संडे आज। धीरे बोलो, वो सुन लेंगे, ऐसे नहीं करते हैं। आराम से आराम से आराम से आराम से, ठीक है। और बाबूजी को चाय दिया ना, उनके दोस्तों को भी चाय पकौड़े दिया ना, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, मैं नहा लेती हूँ जाके। हाँ। आज तो मेरा फ्री दिन है ना। हाँ, मैं झाड़ू पोछा करता हूँ। हाँ, बर्तन मांग लेता हूँ। हाँ, ठीक, आप नहाओ जाके। ठीक है, ठीक। तो यहाँ खड़े क्यों हो, चाय पकौड़े देखो जाके चल जाएंगे, पता चलेगा आज। ये झाड़ू लग रही है या खेल हो रहा है? झाड़ू लग रही, पोछा लग गया, कंप्लीट है। एक बात बता, आज घर बड़ों कैसा लग रहा हो? जब मैं काम करती हूँ तब तो घर उतना ही का उतना ही रहता है, लेकिन आज काम तुम कर रहे हो ना, इसलिए घर बड़ा लग रहा है। मेरे काम की तो कोई अहमियत नहीं है, आज पता चली तुम्हें? और जाले साफ कर दिए? जाले कंप्लीट, जाले साफ, चार झाड़ू पोछा। ये जाले लगे हुए हैं यहाँ पूरे में, जाले तो साफ हुए ही नहीं है, वहां तक पहुंच नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए वहां तक। एक काम करो, जाले वाला लाओ, उससे जाले सारे साफ करो और नीचे गंदा हो जाएगा, दोबारा झाड़ू लगाओ। और हाँ, अभी मम्मी जी मंदिर गई थी, मंदिर से आई है तो बाहर बारिश हो रही है तो उनकी चप्पलों में थोड़ा पानी कीचड़ लग गया है, तो गंदे पूरा आंगन गंदा हो गया है, दोबारा से फिर जब पोछा लगा देना, ठीक है? ठीक है। और हाँ, जल्दी जल्दी हाथ करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी मेरे बाबूजी के मम्मी के बच्चों के सबके कपड़े धोने हैं आपको, और जल्दी से कपड़े धो के किचन में आओ, खाना बनाना है सारा, और इसके बाद चिंटू को और मिन्नू को स्कूल से लेके आना है। तू कौन से जन्म को बदला ले रही है? आज संडे है तो मार के छोड़ेगी? नहीं, काम करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, चलो सही से, पहले जाले साफ करो, सही से साफ करना। और हाँ, जल्दी से सब काम करके अभी किचन में भी आना है, जल्दी काम करो। कुछ कह रही हो क्या? नहीं, चालू जाला। हाँ, देखो उधर गंदा है सब।
सारे कपड़े धुल गए? हाँ। लो मम्मी जी की धोती भूल गए थे आप। वो जी फिर धो जाएंगे फिर बाद में। अभी धो, मम्मी को ये बहुत पसंद होती है, वो पहनती है, इसे भी धो दो। आज पता चलेगी तुम्हें मेरी अहमियत नहीं है ना बिल्कुल भी, कि मैं कितना काम करती हूँ। धो तब पता चलेगी तुम्हें कि मैं कितना काम करती हूँ। भगवान, जब औरत तुम्हें मार के ही छोड़े। अच्छो जागो, हमने टेंडर लाओ। खाना बन गया? हाँ बन रहा है। कितनी देर लगाते हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। बाबूजी भूखे हैं, मम्मी जी भूखे हैं, बच्चे भी रो रहे हैं भूखे मारे, पसीना आ जाता है। जल्दी जल्दी बनाओ खाना, सब भूखे हैं। सही से बनाओ। सही नहीं है जे? ये क्या है? ये क्या है? दूसरे ले, दूसरे लेते हैं, दूसरे। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और खाना बनाओ। आज तुम्हें पता चलेगा कि खाना बनाने में कितना टाइम लगता है। हर समय चिल्लाते रहते हो ना तुम मुझ पे। तो खाने में 5 मिनट लगते हैं, बनाने में 1 घंटा लगता है। अरे वाह, आज आपको पता चला कि खाना बनाने में भी टाइम लगता है। आप तो हमेशा चिल्लाते रहते हो। जल्दी जल्दी खाना बनाओ, बच्चे चिल्ला रहे हैं और बाबूजी और मम्मी जी दोनों भूखे हैं। ठीक है। और मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी हाँ चलो, जल्दी जल्दी खाना बनाओ। कुछ कह रहे हो क्या? नहीं कुछ। मुझे हर बार ऐसा क्यों लगता है जैसे आज कुछ कहना चाहते हो आप? नहीं, मैं कुछ संडे है ना, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कि काम कैसे होता है। चलो जल्दी जल्दी बना लो खाना। ठीक है, आज इस आदमी को भी तो पता चलेगा। गधा घोड़ा के पूरे दिन वो लगे लगे जानवर इतना लगे रहे, ना ब्रश कर पाओ, ना नहा पाए, ना कपड़ा पहन पाए, ना खाने खा पाओ, शरीर ऐसे टूट रहा हो, क्या बताए भगवान। तो नींद आ रही, ये खाना खाना बाहर जाने जी, 5 बज गए, बाबूजी की चाय बनानी है। अरे यार बाबूजी की चाय बनानी है यार, पूरे पूरे दिन हो गए, तुम्हारे दही हो गया यार, काम करते करते यार, कोई मशीन थोड़ी हो गई यार,
जब देखो रिमोट पे चलता रहा पूरे दिन यार, मेरे भी कर ही रहे यार। नहीं मेरा कुछ चाय ठंडू तुम्हारी, अब न खाना खाओ न ब्रश करो न कपड़ा बदले यार, शरीर तो यार वो गड़ा की तरह बिल्कुल। नाराज क्यों होते हो? नाराज क्या है, तुम्हारी बात ही कर रही है। चाय बना दो, चंडू बना दो। अभी तो आपको चाय बनानी है, फिर अभी झाड़ू लगानी है, फिर अभी शाम का खाना भी तो बनाना है आपको, और फिर बच्चों को खाना खिलाना है, दूध तैयार करना है, फिर बच्चों को सुलाना है, फिर मम्मी पापा के पैर भी तो दबाने हैं आपको। तो पंडवेश्वरी मोको कछु ना है, वो पे बहुत बड़ी गलती है जो मैंने तो ते कह दी कि तू पहाड़ लौटा थे, तू बाकी में बहुत पहाड़ लौटा थे, मोह छोड़ दे तू आज। चलो आज आपको पता चला कि मैं इतना काम करती हूँ। पता है आपको, एक औरत एक दिन नहीं, सात दिन नहीं, महीने नहीं, एक साल नहीं, पूरी जिंदगी काम करती है। पूरी जिंदगी अपने घर को, बच्चे के लिए, पति के लिए, माँ बाप के लिए अपनी पूरी जिंदगी काम करती है, और वो कितनी भी बीमार हो फिर भी वो काम करती है। मान रहा हूँ तेरी बात परमेश्वरी, आज के बाद हम तो तक कभी ऐसी बात नहीं करी है कि तू पहाड़ लौटा थे, तू वाकई में पहाड़ लौटा थे, बहुत काम करते, मुंह छोड़ दे, अब मुंह पे कछु ना आए रहो। अब तू एक काम कर, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के ले आ रहा हूं। नहीं आप बैठो, आपने आज बहुत काम किया है इसलिए आप बैठो, आप थक गए हो। मुझे आपसे काम नहीं करवाना था, मुझे आपको सिर्फ ये दिखाना था कि एक औरत कितना काम करती है, क्योंकि उसे उसका पति उसे जब चाहे तब ये कह देता है कि क्या काम करती है, बस लेटी रहती है, टीवी देखती है। इसलिए मुझे आपको दिखाना था कि एक औरत कितना काम करती है, कम से कम आपको अब अहमियत तो पता चलेगी मेरी। इसलिए आप बैठो, चाय मैं बना के लाती हूँ, आज आपने बहुत काम किया है, आप बैठो मैं चाय लाती हूँ। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मोहब्बत भरे शहर आगरा में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय तिवारी और आप देख रहे हैं चैनल सांसों की कीमत। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं शिवानी तिवारी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ सब्सक्राइब करते एक बेल आइकन आएगा उसे प्रेस जरूर करें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो देखा दोस्तों, मैंने बीबी से पंगा लिया और उससे कहा कि तुम क्या दिन में पहाड़ लौटती हो। रियल बात यह है कि जितनी भी लेडीजें होती हैं वो दिन में बहुत मेहनत करती हैं और इसका अंदाजा उनके हस्बैंडों को नहीं होता है। आज मैं बताना चाहूंगा कि अपनी बीवियों से कभी भी इस तरीके का ताना ना दें कि आप दिन में क्या पहाड़ लौटती हैं, वो वाकई में पहाड़ लौटती हैं। अपनी बीवी की हमेशा मदद करें, उसकी इज्जत करें। जो व्यक्ति अपनी बीवी की इज्जत करता है, उसे सम्मान देता है और उसके काम में हाथ बटाता है, वो ऐसी महान माँ का बेटा होता है। वो जोड़ू का गुलाम या फिर बीवी का गुलाम नहीं होता, वो ऐसी महान माँ का बेटा होता है जिसने उसे औरत की इज्जत करना सिखाया है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारे नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। जय श्री कृष्णा।